तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर, और ये बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ की जो सेकेंड बुक कैलकुलस है उसका फर्स्ट चैप्टर है। क्योंकि आपको पता होगा कि यदि अब बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो मैथ की चार किताबें होती हैं, पहला एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी किताब होती है कैलकुलस की, तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और चौथी किताब होती है एनालिटिकल ज्योमेट्री की। तो बच्चों मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि इन चारों किताबों के जो इम्पोर्टेंट रूल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको इस चैनल पे अपलोड कर दूँ, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन दे पाना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल काम है। जब तक मैं कंप्लीट सॉल्यूशन डालूँगा तब तक जो है कि जो एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। क्लियर? तो मैं जितने रूल्स मैं बताऊँगा उससे उसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यार फिर भी अगर कोई डाउट्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हो। तो आप इस चैनल को थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर सकूँ। तो हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मीन्स कि किसी दिए गए फंक्शन का लगातार डिफरेंशिएशन करना। जैसे कि यदि y बराबर f ऑफ x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अर्थात यहाँ पे y x का एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा dy बाई डी एक्स। क्लियर? इसी चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f डैश ऑफ x से, या y1 ऑफ x, क्लियर बात, या y डैश ऑफ x से, या फिर dy से, वेयर वेयर d इक्वल्स d बाई डी एक्स, वेयर d इक्वल d बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशियंट। तो यदि मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, एक बार और मैं डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स y2 ऑफ x इक्वल डी स्क्वायर वाई, वेयर डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और मैं एक चीज भूल गया, y डबल डैश ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो यदि मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं इसका तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप यहां पे लिख लीजिएगा, इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, इसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? यदि मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड डिफरेंशियल कोफिशियंट, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं वाई थ्री ऑफ एक्स इक्वल डी क्यू वाई एंड सो ऑन। क्लियर बात? तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सिमिलरली सो इट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो जाएगा हमारा, मैं यहां लिख रहा हूं, हो सकता है नीचे इसके बाद दिखे ना, मैं यहां लिख रहा हूं, सो इट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स ऑफ d टू दी पावर n माइनस वन वाई बाई डी एक्स टू दी पावर n माइनस वन इक्वल्स, ये हो जाएगा हमारा d टू दी पावर n वाई बाई डी एक्स टू दी पावर n। क्लियर? और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं yn एन ऑफ एक्स और dny। क्लियर?
इसे हम लोग बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की जो डिफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्लियर। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया हूँ कि इफ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x देन सॉ दैट x स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल जीरो। तो सबसे पहले जो हमें शो करना है उसमें देखिए कि कितनी बार अधिकतम डिफ्रेंशिएट किया गया, तो दो बार। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर बात। तो डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाई वन इक्वल ए कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, और यही नहीं, अगर आपने क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ पूरा अच्छी तरीके से करा है, तो आपको ये बीएससी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि बीएससी थोड़ा सा अपने आप में टफ है। टफ इसलिए है कि इसमें आपको पूरा प्रीवियस नॉलेज चाहिए। आपने जो भी क्लास 11, 12 में पढ़ा हुआ है, जितने फार्मूले वगैरह हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सवाल लगाने की जो टेक्निक है, वे सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो आप उस चीज़ को क्लियर कर लो आप। ठीक है, जितने भी फार्मूले वगैरह हैं सब उसको आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का पहले करेंगे तो साइन, ठीक है, लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, लॉग का करेंगे, लॉग का क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस बी। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके डिनोमिनेटर में एक्स है। क्लियर, तो एक्स होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल इसका, तो हम एक्स को इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, एक्स वाई वन इक्वल माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। क्लियर बात। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या पता चलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन हमने डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा, x, ठीक है, x को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 2 y1 का y2 हो जाएगा प्लस, अब इसको छोड़ देंगे, y1 का क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, इक्वल माइनस a साइन का क्या हो जाएगा, cos log x, अब log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। क्लियर बात। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस b cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस b साइन log x। क्लियर बात। log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। अब आप ध्यान से देखो कि दोनों के डिनोमिनेटर में x होगा, होगा ना भाई, तो x को फिर हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। क्लियर बात, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। ठीक है, अच्छा, अब इसमें माइनस कम, x को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया दोनों के डिनोमिनेटर में। ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई x, कंप्लीट डिवाइडेड बाई x, ठीक है, टोटल x। तो अब हमने x को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, x x y2 प्लस y1 इक्वल, अब मैं माइनस चिन्ह इसमें कॉमन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, a cos log x प्लस b sin log x। क्लियर बात। अब आप जरा ध्यान से देखो ये किसके जैसा दिख रहा, किसके जैसा दिख रहा, इसको आप इक्वेशन वन मानो, इसके जैसा दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा ना। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई बाई इक्वेशन
वन से। क्लियर बात, बहुत इजी है, आप अच्छी तरीके से फील करो इस चीज़ को तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब इधर खींच लो वाई को आप, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल जीरो, ये हो गया प्रूफ।